हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मजे से जिंदगी जी रहे होंगे। आज का जो ब्लॉग है वो यामाहा MT-15 पे है, जो कि ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक फुली लोडेड कस्टमाइज्ड है, और मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअल में वो बाइक कैसी दिख रही है और उसपे क्या क्या एसेसरीज लगी हुई है। आज का ब्लॉग आप लोग एंजॉय करना, ठीक है, और मुझे बताना कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या क्या उसकी नोटिफिकेशंस अच्छी लगी, कमेंट में बताना। फटाफट से ये ब्लॉग देखो, एंजॉय करो, और सब्सक्राइब करना जो न्यू वन है, और लाइक कमेंट और शेयर करके प्यार देना। गाइज, हेयर इज दैट ब्यूटिफुल मशीन जो कि मॉडिफाइड है, फुल्ली एम्प्टी, जो मैं घर से बता के निकला था आज आपको। तो यही वो बाइक है जो कि टोटली मॉडिफाइड है, फ्रंट से लेके बैक तक। क्विक आपको लुक्स दिखा देता हूँ। पीछे जो एग्जॉस्ट इसको लुक दे रहे हैं ना, लिटरली किसी सुपर बाइक से कम नहीं लग रही, और मुझे तो कहीं ना कहीं पीछे से ना ये लाइक बैनली जैसी लगती है। और नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मॉडिफिकेशन हो रखे चंडीगढ़ में, और वर्थ उस बंदे को खुद को नहीं पता कि वो कितनी इसमें इन्वेस्ट कर चुका है। स्टार्टिंग में देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे भाई ग्राफिक्स ही देख लो। मडगार्ड पे, आपको मडगार्ड पे ग्राफिक्स दिख रहे हैं, जो कि डिकेल है, पूरी बाइक पे लग रखा है, टैंक्स पे भी पूरा हो रखा है, साइड पैनल्स पे भी। तो अगर मैं बात करूँ फेस पे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टम लाइट्स लग रखी है, ठीक है, विद मल्टी कलर्स, और उसके बाद यहाँ पे लैंप लग रखे है जिसमें व्हाइट प्लस यहाँ पे हमारा येलो, जो कि फोक के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो भी मिल जाती है लाइट, जो कि लिटरली विजिबिलिटी बेस्ट कर देता है इस बाइक की। तो अब अगर मैं बात करूँ इसके अलॉयज की, तो भाई ये अलॉयज में जो कलर हो रखा है ये भी आफ्टर मार्केट है, ये बंदे ने खुद करवाया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फोक स्लाइडर्स लग रखे हैं, यहाँ पे सिमटेक्स के इंडिकेटर्स देख सकते हो आप, LED के इंडिकेटर्स लगे हैं जिसमें फ्लैशर लग रखा है सिमटेक का, एक बार इसे ऑफ कर देते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं भाई, अब यहाँ पे इसके जो फ्रंट पे आप बार्स पे देख सकते हो, यहाँ पे यूनिवर्सल मिरर्स लग रखे हैं जो अप्स एंड डाउन के ऑप्शन के साथ आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं टैंक पे आता हूँ तो आपको टैंक पैड दिख जाता है बेसिक सा, बट बहुत ज्यादा थीम के साथ मैच करता हुआ। अब दूर से देखने में यहाँ पे ना स्विचेस आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ब्लैक एक ये और एक यहाँ पे आए, ये देखिए नीचे, तो ये वाला तो भाई लाइट्स का है, ठीक है, ये दोनों लाइट्स के फोग लैंप्स जो आगे लगे उसके, और यहाँ पे अपना फ्लैशर का, ठीक है। तो ये भाई ने मॉडिफिकेशन छोटी छोटी करवा रखी है छुपा के। साइड पे अगर हम देखते थे, यहाँ पे एक अपना फ्रेम स्लाइडर लग रखा है पूरा, ठीक है, जो पूरी इंजन को कवर कर रहा है बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे हमारे वर्मा ऑटोमोटिव का भी स्टिकर लग रखा है, और बाकी यहाँ पे भी कस्टम पेंट हो रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक कस्टम यूनिवर्सल टेल लगी हुई है जिसमें बहुत तरह के डिफरेंट कलर्स आते हैं, और देख सकते हो आप ग्रीन, ब्लू, पर्पल, बहुत तरह के कलर्स है। और एक टेल टाइडी लगी हुई है जो कि प्रॉपर लॉन्ग करके, ताकि इसके एग्जॉस्ट के साथ ये टच ना हो, इस हिसाब से लगाई हुई है। जो इस बाइक की मेन अट्रैक्शन है वो है भाई ये दो ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट, जो कि इसको पीछे से बल्की लुक दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके पिछले टायर की, तो भाई 190 सेगमेंट का 190/50 का टायर लगा हुआ है। एक बार आप देखो ध्यान से क्या लुक आ रही है, लिटरली मजा आ गया देख के। और ये मैंने अभी तक की भाई बेस्ट मॉडिफाइड बाइक देखी है अभी तक की। और थैंक यू करना चाहता हूँ मैं वर्मा ऑटोमोटिव्स का, कि भाई जिन्होंने मुझे मौका दिया इस बाइक पे ब्लॉग बनाने के लिए। तो अगर मैं अब बात करूँ इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा महंगी चीज लगी है, वो है भाई इसकी डुअल, जो सिंगल से डुअल बनाई गई है पाइप, स्टेनलेस स्टील की है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से सिंगल है नीचे, जैसे सबको पता होगा 155 cc है, यामा की सिंगल सिलेंडर ही आती है, तो ये पूरी नीचे से कवर होते हुए यहाँ पे डुअल हो रही है, ये कस्टम बनाई गई है। इसको बनाने में ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लग गए, बट जो रिजल्ट निकल के आया, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। बाइक को पहले स्टेबल में साउंड सुनते हैं इसकी, हमारे सनी भाई, कैसे सर? सर ने ही ये बाइक पूरी तैयार की हुई है, और वर्मा ऑटोमोटिव्स इन्हीं का ही है। तो सर एक्चुअल में आप
थोड़ा सा गाइड करें कि आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि ये बाइक कैसी बनी है। मेरे हिसाब से बड़ी टेस्टफुल मॉडिफाई हुई है। ओके, कि मॉडिफाई तो कोई भी कर लेता है, पैसा कोई भी लगा लेता है, बिल्कुल, बट स्मार्टली लगाना कि वो बहुत ओवर भी ना लगे, बिल्कुल बहुत अंडर भी ना लगे, लगे कि हाँ काम इसमें डिसेंट हुआ, अच्छा हुआ। तो आपके हिसाब से ये मोहाली चंडीगढ़ की सबसे बेस्ट होगी एमटी? बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्योंकि जहाँ तक मोहाली चंडीगढ़ और इवन खरड़ या पंचकुला कहीं पे भी देखते हैं, तो हमारे जैसी मतलब 21 सेक्टर में जो भाई जैसी मॉडिफिकेशन कोई भी नहीं करता, और नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। अगर आपको ऐसी कोई भी तरह की मॉडिफिकेशन किसी भी बाइक में करवानी हो, ठीक है, यूनिवर्सल पार्ट्स चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। मैं लोकेशन और इंस्टा का जो आईडी है भैया की, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक, प्लस आपको यहाँ पे स्क्रीन में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम का तो दिख ही जाएगा। तो भाई जाओ चेक करो, फॉलो करो, और अपने लिए भी एक ड्रीम बाइक तैयार करो जैसे कि ये भाई ने करवा रखी है। तो होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और नई चीजें देखने को मिलेगी एमटी के लिए, मॉडिफिकेशंस के लिए। तो सबसे पहले भाई वर्मा ऑटोमोटिव्स का थैंक यू, और उसके बाद अब मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू भाई आप सबका, आपने 550 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, और अब 600 भी करवा दो यार, फिर हम बाइक लेके आते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका एक डिलीवरी का भी व्लॉग बनेगा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तो सब्सक्राइब करना जो नए लोग आए हैं, स्वागत आप सबका, लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना, और बी द मेंबर ऑफ VRT family, peace out.